हमने चेक इन किया है होटल एम्बेसडर अलमाती में। धूप बड़ी जबरदस्त निकली है और हम जा रहे हैं इस वक्त अपने होटल से निकल के बिग लेक। जब हम यंडेक्स टैक्सी लेते हैं तो उसमें हमारी राइड के अंदर हमारा टूर शामिल होता है। वहां से गाड़ी पीछे आई है, अल्लाह को याद किया है। बहुत सख्त कज़ाख ट्रेडिशनल ब्रेड, कज़ाख ट्रेडिशनल ब्रेड बहुत सख्त एंड सूप सुरपा सूप ओके एंड बीस परमा बीस परमा ओके। हमने चेक इन किया है होटल एम्बेसडर अलमाती में और ये एक बड़ी अच्छी हमें इस पे डील मिल गई है। नाश्ता किया और होटल रूम जो हमारा ट्विन बेडरूम है, मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। ये रूम है और ये हमें दो बेड और यहाँ पर ड्रेसिंग है और यहाँ से हम बाहर का व्यू ले सकते हैं और टॉयलेट और वॉशरूम स्लीपिंग सूट पड़े हुए हैं। ये कोट जैकेट तो मेरी है और यहाँ पे लॉकर है और यहाँ पे इन्होंने हमें शू इनर और ये शूज शाइनर है क्या है, हाँ जी ये शाइनर ही है। और ये धूप बड़ी ज़बरदस्त निकली है और हम जा रहे हैं इस वक्त अपने होटल से निकल के बिग लेक। बिग लेक क्योंकि आज संडे है, मे बी संडे की वजह से हो, लेकिन वहाँ तक के लिए कोई हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं नज़र आई, तो इसलिए यंडेक्स टैक्सी जो है वो बेस्ट है। रिसेप्शन से मैंने नज़दीक में पूछा कोई टूर एजेंसी है, तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हम आपको 20,000 चार्ज करेंगे टिंगे। तो यंडेक्स टैक्सी से मैंने देखा तो आ रहा था 3,000 टिंगे जाने का, तो जाहिर बात है वहाँ से वापस आएंगे तो वो भी इतने में हो जाएगा।
तो अभी हम यहाँ पे टैक्सी का इंतज़ार करेंगे। टैक्सी का अभी 2 मिनट मज़ीद हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, क्रिसमस करीब है तो हर जगह पे, आज संडे भी है तो बाहर जितनी भी शॉप्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं और वो सारा इंतज़ाम कर रहे हैं। जगह जगह क्रिसमस ट्री वगैरह जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ मेरे होटल में भी ये देखिए, यहाँ पर वाकई आके पता चला है कि यहाँ पर इन लोगों के लिए धूप की कितनी कदर है। हमारी राइड के अंदर हमारा टूल शामिल होता है। तो ये यहाँ पे जब हम टूल पे पहुँचे हैं, जब हम बिग लेक वाले एरिया में एंटर होने लगे हैं, तो ये ड्राइवर जो है हमें कहने लगा, जी आप हमें 1300 टिंगे दें। हालांकि वो उसमें शामिल था, मैंने कहा वो हमारे रूट में शामिल है, हमने जो आपको पे करना है इसलिए हम आपको वो 1300 टिंगे नहीं देंगे। तो फिर वो खामोशी के साथ चल पड़ा है। और अभी हम यहाँ से जो है एक नए टैक्सी ड्राइवर के साथ बिग लेक की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ लिली, जिन्होंने यहाँ पे हमारी हेल्प की। लिली जो है आस्थाना से हैं और ये भी यहाँ पे टूरिस्ट ही हैं। अच्छा, हिल स्टेशन जो है वो पाकिस्तान का हो, वहाँ पर भी ये ड्राइवर हजरात जिस तरह करते हैं, यहाँ पे भी ऐसी हुआ। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ली मैंने यंडेक्स, तो होटल पे मेरी बात भी हुई, मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे जब मैं इस जगह पे पहुँचा हूँ तो यहाँ पे एक अजीब मामला आ गया मेरे साथ कि ड्राइवर ने मेरी ड्रॉप लोकेशन देख के ही मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और अभी मैं लेक से 9 किलोमीटर दूर हूँ। तो उसने कह दिया, जी मेरी गाड़ी यहाँ पे जा नहीं सकती और आप बीच मजदार के ला के वो जनाब यहाँ पे खड़ा हो गया। बहरहाल कोई चारा नहीं था उसका, जो है वो जितने टिंगे बने वो मैंने दिए। और इन्होंने कहा कि क्योंकि इंग्लिश जानती थी, इन्होंने कहा ये यहाँ पे ड्राइवरों की प्रॉब्लम है, तो आपको अब इसके अलावा कोई हल नहीं है,
ये आप इधर उतर जाएं और यहाँ से आप जो है ना वो ऊपर जाएं। तो ये मांग रहे थे हमसे 8,000, तो अब हम तीनों से 10,000 लेंगे और यहाँ से ऊपर हमें लेक तक लेके जाएंगे। और लेक तक 10,000 और वापस हमें यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ से हम फिर टैक्सी पकड़ के जाएंगे, तो वो डिवाइड करेंगे। बहरहाल ये भी एक एक्सपीरियंस है आपके लिए कि अगर आप बिग लेक आना चाहें तो वहाँ होटल से ही जो ड्राइवर है उसके साथ उसे पूछें कि आपकी टैक्सी वहाँ लेक के आखिर तक चली जाएगी, या आप ही वहाँ पे पहुँच के कहेंगे कि नहीं मेरी गाड़ी नहीं आगे जा सकती, आपको यहाँ से आगे जो है वो फोर व्हीलर गाड़ी लेकर जानी पड़ेगी। बड़ी मुश्किल ड्राइविंग करते हुए जा रहे हैं और इम्तिहान है आज और वहाँ से गाड़ी पीछे आई है, अल्लाह को याद किया है। और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिपरी है रास्ता। और अभी हम बिग लेक से इंशाल्लाह 15 तारीख को 5 किलोमीटर दूर हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं बिग लेक और लेक इस वक्त जो है फ्रीज है, लेकिन यहाँ पे व्यू अच्छा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा नज़ारा है। No namaste. No namaste. Salam alaikum. Yes. Okay. Salam alaikum. He does videos for the Instagram. But नीचे भी जा सकते हैं लेकिन ख़तरनाक है, कुछ लोग जा रहे हैं। वैसे मैं आपको दिखाता हूँ, वो वहाँ पे कुछ झील में आपको दिखाई दे रहे हैं लोग। जो हैं ये तातार हैं और तातार में इनके फादर जो हैं वो तातार हैं और इनकी जो मदर हैं वो रशियन थी, तो दैट्स व्हाई इज लिली सो क्यूट एंड ब्यूटीफुल। लिली, डू यू हैव सम वर्ड फॉर माय सब्सक्राइबर? ऑफ कोर्स, आई रियली लाइक
vlogger. We travel together now and see this beautiful view that you may see in the video. Okay. And to travel is very good opportunity to meet new people. Okay, thank you so much. Thank you. Ugly video banini? अपने होटल से मैंने जो है वो लोकेशन दी थी बिग लेक की, तो वहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई सर्विस नहीं थी, तो इस वजह से मैंने टैक्सी जो है वो येंडेक्स से टैक्सी ली और आ गया। हाँ जी, लेकिन उसके लिए सबसे बेहतरीन जो तरीक़ेकार है वो अभी मैंने आते हुए रास्ते में वापसी पे जो है मैंने एक लोकेशन दी थी बिग लेक की, तो यंडेक्स मैप ने मुझे ये कहा कि आप जो है वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो मैंने फिर यंडेक्स से टैक्सी हायर कर ली और आगे जो हुआ वो आपके सामने है। लेकिन वापसी पे मैंने देखा मुझे एक जगह पे जो है वो बस नज़र आई, तो मैंने वहाँ से जब लोकेशन दी है तो वहाँ से बाकी बस जो है वो सिटी सेंटर तक जा रही हैं एक स्टॉप करके बस चेंज हो के, तो उस स्टेशन का नाम है, बस स्टेशन का नाम है HPP5। आप येंडेक्स पे अपने होटल से लोकेशन दें HPP5 और यहाँ पर आएँ, और यहाँ से आपको जो है वो जीप वगैरह मिलेंगी जो आपको लेकर जाएंगी बिग लेक तक। अगर आप दो तीन हैं, चार हैं, जितने भी हैं, ये 7-8-10 हज़ार तक आपसे इनकी डील हो सकती है, और आप 8-10 हज़ार तक जो है वो इनको दे के आप जो है वो झील तक जाएंगे, वहाँ पर बहुत अच्छे व्यू देखेंगे, और उसके बाद वो गाड़ी आपको वापस यहीं पर HPP5 बस स्टेशन पर ड्रॉप करेगी। यहाँ से बस पकड़ें और अपने होटल पे, अपने हॉस्टल पे आप जा सकते हैं। हमारे साथ जो मामला हुआ, ड्राइवर ने कुछ इस तरह से कह दिया, तो लिली ने इस सिलसिले में मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, और लिली का बहुत ज़्यादा थैंक यू भी करते हैं। लिली, थैंक यू सो मच। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। थैंक यू, ओके, गुड लक। ओके, मकसद अंदर चले जाइए। पूजा बुक बुक, हाँ जी, ए फ्रीज है। ओके, मैंने रिसेप्शन से पूछा था तो उन्होंने कहा कि यहाँ से आप करीब में रूमी रेस्टोरेंट है वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे आपको कजाक फूड, उज़्बेक फूड और इसी तरह ताजिक फूड आपको मिलेंगे। तो अभी हमने ऑर्डर किया था जिस फूड का, उसमें ये एक पुलाव है जो उज़्बेक पुलाव है, और इस उज़्बेक पुलाव को कहते हैं खान्स्की। इसमें ये लहसुन है और रेड चिली है, और साथ में विच काइंड ऑफ बीफ, बीफ और मटन? यस, कोबी। ओके, कोबी, अच्छा, इसमें बीफ है, और उसके अलावा ये है आलू गोश्त, बीस परमा खुद परमा बीस परमा बीस फाइव ओके 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 बीस
परमाख 20 परमाख में 20 परमाख और साथ में इसके साथ में सूप है और मैं आपको दिखाता हूँ 20 मिल्क और सक वन मिनट Kazakh traditional bread. Bozak. Bozak. And soup. Sorpa. Sorpa. Yes. Sorpa soup. Okay. Soup. And. 20 parmak. 20 parmak. Okay. Okay. Rahmat.